पुलिस जिला सोलन में महिला थाने में कार्यरत हूँ और विभाग की तरफ से अनुमति लेके जो चेन्नई में नेहरू इंडोर स्टेडियम में हमारी किक बॉक्सिंग की जो ये प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कि करण वर्मा और मैं सोलन जिला के लिए कांस्य पदक प्राप्त किया। और यह हमारे जो पूरे हिमाचल से है लगभग 18 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें कि 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। ये 4 मेडल 4 ब्रॉन्ज आए हैं। और सोलन से हम 4 लोगों की जो टीम थी और हमारे कोच मिस्टर तिलक शर्मा जी, इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, और हमारे जनरल सेक्रेटरी संजय यादव जी और हमारे कोच मिस्टर इकबाल मलिक जी, जिन्होंने कि हमें इसके लिए तैयार किया, और इनके कोच करण जी के कोच श्री संजीव सर जो कि धर्मपुर में सिखाते हैं, उन्होंने हमें प्रशिक्षित किया और हमें इस योग्य बनाया कि हम इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकें। और थोड़ी बहुत हमारी शायद ये कमियां ही रही होगी, और एक तो थोड़ा मौसम ने भी साथ नहीं दिया कि अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर पाते, क्योंकि आजकल जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि ये बारिशें, लेकिन भविष्य में हम अपेक्षा करते हैं कि हमें ज़रूर इस तरह से कोई सहायता मिलेगी, सरकार की तरफ से मिलेगी। और पहले अब तो जो हमारी किक बॉक्सिंग वाकू है ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी ये मान्यता प्राप्त है, तो उम्मीद करते हैं कि सरकार खिलाड़ियों की तरफ भी ध्यान देगी और भविष्य में जो है अच्छे खिलाड़ी बाहर निकले, इसके लिए सरकार का साथ देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको क्या कमी लगी जो आप वहाँ कंपटीशन फाइट करने गए हैं, तो उसमें और आपको यहाँ क्या फ़र्क लगा? सुविधाओं का अभाव। यहाँ पर अगर आप हिमाचल से बाहर निकलते तो आप देखेंगे कि वहाँ पर खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी तरह से हर फैसिलिटी दी गई है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे इंडोर स्टेडियम बनाए गए हैं और जो बड़े अच्छे अच्छे ग्राउंड है, और उनको हर फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो अचीव करते हैं तो सरकार उनको उनके खेल के हिसाब से उनको सम्मान भी देती है और सब चीज़ें हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है, नौकरी भी मिलती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे को भी ये सुविधा मिले भविष्य में, ताकि चलो हम तो भगवान की दया से है कि हमें नौकरी मिल गई है, पर लेकिन जो बच्चे आगे हैं जिनमें पोटेंशियल है, अब कई लोग बच्चे ऐसे हैं जो कि गरीब परिवार से है और जिनमें काबिलियत है वो नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि खर्चा अपनी जेब से करना पड़ रहा है। अब एक टूर्नामेंट के लिए, अब ये चेन्नई का ही समझ लीजिए आप, कि इस टूर्नामेंट के लिए जाना था तो इसके लिए कम से कम हमारे को 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आया हुआ है, तो हम ही जानते हैं कि ये कैसे कैसे किया है। और चलो जो तो नौकरी में कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या स्पोर्ट्स कर रहे हैं और करना चाहते हैं, आगे इसमें निकलना चाहते हैं कि आगे स्कोप अच्छा मिले, उसके लिए सरकार द्वारा कोई ऐसी होना चाहिए कि हाँ बच्चे कोई खेलने जा रहे हैं तो उनको सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाए और इंडोर स्टेडियम वगैरह ये भी बनाई जाए ताकि फैसिलिटी दिया जाए ताकि और अच्छे रिजल्ट आ सके। हिमाचल में क्या फैसिलिटीज उपलब्ध हैं यहाँ इस किक बॉक्सिंग से रिलेटेड? फिलहाल तो अभी ना के बराबर ही है, जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपने बिहार पे ही कर रहे हैं जी। और ये हमारे जो ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं ये हिमाचल से हैं संजय यादव जी, वो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छे इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो। अभी फिलहाल तो धर्मशाला में इंडोर स्टेडियम है जहाँ पर हम एक नेशनल करा सकते हैं, अगर हम कोई इवेंट हिमाचल के लिए ले भी लेते हैं तो हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी है नहीं। बाहर के खिलाड़ियों को कहाँ ठहराएंगे, इतने लोग आएंगे, 1800 लोग आएंगे, उनके एकोमोडेशन का करना, फूड का करना, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन का करना, तो उसके लिए तो अभी इंडोर स्टेडियम के लिए सोलन के लिए बजट तो आया था, पर अभी पता नहीं वो कहाँ लगा, क्या काम हो रहा है। मेरे ख्याल से 5 साल हो गए, हम तो सुन ही रहे हैं कि बजट आया हुआ है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, दिख तो रहा नहीं है कब कहाँ बनेगा, कब बनेगा। हम तो सरकार से ये चाहते हैं जो पैसा है या तो लगे या तो फिर वापस